जितने जल्दी इंग्लैंड में मौसम नहीं बदलता उससे ज़्यादा जल्दी तो T20 विश्व कप 2022 की पॉइंट्स टेबल बदल रही थी। दोस्तों, बड़ी उलटफेर के बाद हमारे पास हमारे 4 सेमीफाइनलिस्ट टीम आ चुकी हैं T20 विश्व कप 2022 के लिए। दोस्तों, कल हुए 3 मुकाबले जिसमें पहला मुकाबला था साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड्स के बीच, लेकिन उस मुकाबले में इतनी उलटफेर हुई कि साउथ अफ्रीका की टीम वो मुकाबला हार गई और साउथ अफ्रीका की टीम T20 विश्व कप 2022 से बाहर हो गई। दोस्तों, ये किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि साउथ अफ्रीका की टीम नीदरलैंड से हार गई और साउथ अफ्रीका की टीम उस स्टेज से T20 विश्व कप 2022 से बाहर हो गई। अब साउथ अफ्रीका के हारने के बाद जो दूसरा मुकाबला था वो था बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच, जो कि क्वार्टर फाइनल मैच था, क्योंकि जो भी टीम मुकाबला जीतती वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई होती। इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने जीत हासिल करके सेमीफाइनल की जगह पक्की कर ली। इसके बाद अगला मुकाबला था भारत और जिम्बाब्वे के बीच। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुका था कि भारतीय टीम अगर वो मुकाबला जीतती है तो भारतीय टीम नंबर 1 की रैंक से अपने ग्रुप से क्वालिफाई करेगी। दोस्तों, भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को हराकर जीत हासिल की और ग्रुप 2 से नंबर 1 पे फिनिश करके सेमीफाइनल में जगह बना ली। दोस्तों, अब हमारे पास सेमीफाइनलिस्ट टीम आ चुकी है। पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, जो कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच होगा। 9 नवंबर को पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल 10 नवंबर को एडिलेड के ग्राउंड पे भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा और फाइनल मुकाबला 13 नवंबर को MCG मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। बात करें अगर इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट रन स्कोरर्स की, तो हाईएस्ट रन स्कोरर में टीम इंडिया के सुपरस्टार बैट्समैन विराट कोहली नंबर 1 पे आ गए हैं। विराट कोहली ने इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 240 रन बनाए हैं। दूसरे नंबर पे नेदरलैंड्स के खिलाड़ी हैं ओडाउट, जिन्होंने 242, और तीसरे नंबर पे टीम इंडिया के सूर्य कुमार यादव 225 रन के साथ हैं। बात करें अगर मोस्ट विकेट्स की, तो मोस्ट विकेट्स में वनिंडू हसरंगा श्रीलंका के खिलाड़ी 15 विकेटों से नंबर 1 पे हैं। दूसरे नंबर पे बेस्ट लीड नेदरलैंड्स के खिलाड़ी 13 विकेटों के साथ हैं।